Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Legal World. पिछले वीडियो हमने कवर किया था लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो कि कहता है बार ऑफ लिमिटेशन. जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि लिमिटेशन एक्ट का एक जनरल रूल क्या होता है कि अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम के बाद कोई भी सूट, कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में लेके जाते हैं तो वो उसे डिसमिस कर देगी, ठीक. लेकिन यहाँ इसका एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 5 है, जो कहता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम इन सर्टन केसेस. एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन द एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1980, दैट मीन CPC, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द एप्लीकेंट और द एप्लीकेशन सेटिस्फाइज the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. सबसे पहले तो ये सेक्शन केवल अपील और एप्लीकेशन के बारे में बात करता है, ये सूट के बारे में कुछ नहीं बताता. ये किसका एक्सेप्शन है? केवल अपील का और एप्लीकेशन का. और ये सीधा सीधा ये कहता है कि मान लीजिए आप सर्ट, आपका जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था 3 साल का, 3 महीने का या 90 दिन का, उसके बाद अगर आप आते हैं और आके सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट आपका एप्लीकेशन कैंसिल नहीं करेगी, अगर आप उन्हें एक रीज़नेबल ग्राउंड बता देंगे कि आप किस वजह से उस वक्त जो आपका अपील या एप्लीकेशन था उससे फ़ाइल नहीं कर पाए. अगर आप एप्लीकेशन या अपील फ़ाइल करने में लेट होते हैं और फिर सफिशिएंट ग्राउंड बताते हैं तो ये केवल उसी का एक्सेप्शन है. केवल ये अपील और एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्शन है, सूट के लिए नहीं है. कहता है देर इज़ नो प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ सूट, इट इज़ ओनली अप्लाई ऑन अपील एंड एप्लीकेशन. ये केवल अपील और एप्लीकेशन के लिए पे ही अप्लाई होता है, इसमें सूट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता. लेकिन ये भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है क्योंकि यहाँ इसमें नीचे दिया हुआ है मे बी एडमिटेड. कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है, मतलब सॉरी कोर्ट का डिस्क्रिशन के ऊपर है. अगर वो चाहे, अगर उसे सही लगता है तो वो उस अपील या एप्लीकेशन को एडमिट करेगी, अगर उसे नहीं लगता है तो वो उसे डिसमिस या रिजेक्ट कर देगी. ये कोई मैंडेटरी सेक्शन 5 कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है. मैंने बताया कि सफिशिएंट कॉज, जो पार्टी होगी वो एक सफिशिएंट कॉज देगी कि वो किस वजह से सूट या सॉरी एप्लीकेशन या अपील फाइल नहीं कर पाई. तो ये जो सफिशिएंट कॉज है, इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर कहीं बताया नहीं गया कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है, ये कहीं डिफाइन नहीं है. जो सफिशिएंट कॉज होता है वो हर केस, हर पॉसिबल सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है. ये कोई इंडेफिनेट नहीं है कि सफिशिएंट कॉज यही होगा. हर केस में, हर चीज़ में कुछ भी सफिशिएंट कॉज, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है. जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति एप्लीकेशन या अपील फाइल करने आया था, जिस दिन वो आ रहा था या जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई या कोई दूसरा कारण बहुत इमरजेंसी का कारण हो गया जिसकी वजह से नहीं आ पाया, ऐसी चीज़ें सफिशिएंट कॉज में आ सकती हैं. लेकिन उसमें भी कोर्ट को अगर लगे कि हाँ जो वो बोल रहा है वो सही है और वो अडेप्टेबल है, हाँ लग रहा है कि इस बात को माना जा सकता है और वो इस चीज़ का प्रूफ भी दे रहा है, तभी उसको एडमिट किया जाएगा, तभी उस अपील और एप्लीकेशन को एडमिट करके इंस्टीट्यूट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा. अब हम इसके आगे के सेक्शंस कवर कर लेते हैं. जैसे सबसे पहले सेक्शन 6, लीगल डिसेबिलिटी. मतलब वेयर अ पर्सन इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इज एट द टाइम फॉर द विच फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड is to be reckoned a minor or insane or an idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified thereof in the third column of the schedule. मतलब मान ये section कहता है legal disability, कोई भी व्यक्ति है जो कि legally disabled है, मतलब या तो वो कोई minor है यानी 18 साल से कम है, या अगर बच्चा पेट के अंदर भी है तो उसे भी माइनर ही माना जाएगा, या फिर इनसेन है या फिर इडियट है यानी पागल है. दिस पर्सन हु इज़ लीगली डिसेबल इज लाइबल फॉर अ न्यू एंड फ्रेश पीरियड व्हेन हिज लीगल डिसेबिलिटी गेट एंड्स और गेट सक्सीड. ये जो लीगली डिसेबल व्यक्ति है, इसके ये जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है ये इसके खिलाफ तब अप्लाई होगा जब ये अपने इस लीगल डिसेबल से बाहर, डिसेबिलिटी से बाहर आ जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, तब उसके लिए एक नया फ्रेश टाइम पीरियड चालू किया जाएगा कि हाँ मान लीजिए अभी ठीक हो गया है या अभी 18 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो उस टाइम से लेकर मान लीजिए अगर 3 साल का
लिमिटेशन था, तो तब से 3 साल का लिमिटेशन चालू हो जाएगा, मतलब जब से इसकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होगी उसके बाद से वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड चालू होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि ये जो लीगल डिसेबिलिटी है ये जब केस फाइल किया गया है या जब प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड चालू होने वाला था उसके तब से या उसके पहले से होना चाहिए, उसके बाद नहीं। कि मान लीजिए जब प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड चालू होने वाला है ये उसके बाद हुआ तो वो नहीं माना जाएगा, अगर वो उसके पहले हुआ है या जब प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड चालू हुआ है तभी उसे एप्लीकेबल माना जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 7, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। सेक्शन इज एप्लीकेबल वेयर सेवरल पीपल्स आर जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। यहाँ केवल सूट और एप्लीकेशन पे ही ये सेक्शन 7 जो है केवल सूट और एप्लीकेशन पे ही अप्लाई होता है, अपील के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और क्या कहता है, जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति मतलब बहुत सारे लोग किसी एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन करते हैं किसी सूट या एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करने के लिए, मान लीजिए वो जो व्यक्ति हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति लीगली डिसेबल है, मान लीजिए माइनर है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट वो जो लिमिटेशन था, वो जो टाइम लिमिटेशन था, वो तब से चालू होगा जब से उसकी वो लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए वो माइनर है तो जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा उसके बाद से उसकी वो लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और तब से वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड चालू हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक एग्रीमेंट है जिस पे उसके कंसेंट की ज़रूरत है, अब जब तक वो माइनर नहीं होगा तब तक उसका कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो लेकिन बाकी तो माइनर है तो बाकी का कंसेंट वैलिड माना जाएगा, तो तब बाकी कंसेंट दे देंगे लेकिन उसकी कंसेंट के लिए तब तक रुकेंगे जब तक वो 18 से ज़्यादा का ना हो जाए, यानी मेजर ना हो जाए और अपनी लीगल डिसेबिलिटी से बाहर ना आ जाए। और ये जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड रहेगा ये उसके बाद ही चालू होगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो जो माइनर है या जो लीगल डिसेबल है उसकी कंसेंट कोई मायने नहीं रखती, कोई खास ज़रूरत नहीं रहता उस कंसेंट का, तो उस सूट या उस एप्लीकेशन बिना उसकी कंसेंट के ही इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा, एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 8 को, जो कि है स्पेशल एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 6 और सेक्शन 9 का, मतलब सेक्शन 8 जो है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का एक्सेप्शन है, जो कि सिंपल यही कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद जो टाइम पीरियड होगा प्रिस्क्राइब वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, मतलब वो मैक्सिमम 3 साल का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। हम सेक्शन 9 देख लेते हैं जो कि कहता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। सेक्शन 9 सीधा से यही कहता है, व्हेन द टाइम स्टार्टेड टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप इट। मान लीजिए जैसे ही जब वो जो टाइम था लिमिटेशन वो मान लीजिए 3 साल का था, जैसे ही वो चालू हो गया अगर उसके बाद कोई डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम लिमिट वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले होती है या उसके दौरान होती है तब उस टाइम लिमिट को रोक के आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर जो टाइम लिमिट था उसके चालू होने के बाद वो डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी सामने आती है या कॉज करती है या होती है, तब उससे उस ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलेगा।